जापान में डायनासोर की नई प्रजाति कमियोरस जिपोनिकस मिली है। जापानी वैज्ञानिकों ने लगभग पूरे कंकाल से डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जो देश में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा 8 मीटर 26 फीट लंबा डायनासोर था। नॉर्थ डकोटा में एक खुदाई स्थल पर जीवाश्म मिले हैं, जिसे तानिस कहा जाता है। 72 मिलियन वर्ष पुराने सैकड़ों हड्डियों का विश्लेषण करने के बाद टीम ने होकाइडो विश्वविद्यालय के नेतृत्व में कंकाल का निष्कर्ष निकाला कि एक बार हिरोसाउरी डायनासोर की एक नई प्रजाति, एक शाकाहारी जानवर जो देर से क्रेटेशियस काल में पृथ्वी पर घूमता था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार टीम ने डायनासोर का नाम कमियोरस जिपोनिकस रखा, जिसका अर्थ है जापानी ड्रैगन भगवान। एक आंशिक पूंछ पहली बार 2013 में उत्तरी जापान में मिली थी और बाद में खुदाई से पूरे कंकाल का पता चला था। उनका मानना है कि डायनासोर 9 साल की उम्र का वयस्क था और इसका वजन या तो 4 टन या 5.3 टन होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह 2 पैरों पर या 4 पर चला था। डायनासोर के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह ने मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को भी खत्म कर दिया। यह खोज ब्रिटिश पीयर रिव्यू जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई थी। तथ्य यह है कि एक नया डायनासोर जापान में खोजा गया था। मतलब यह है कि एक समय में जापान या पूर्वी एशिया में डायनासोर की एक स्वतंत्र दुनिया थी और एक स्वतंत्र विकास प्रक्रिया थी। कैमोसिरस जापोनिकस संभवतः तटीय क्षेत्रों में रहते थे। उस समय डायनासोर के लिए एक दुर्लभ निवास स्थान था और जीवाश्म भी उनके वातावरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह संभावना है कि डायनासोरों की कुछ प्रजातियां समुद्र के पास के क्षेत्रों में निवास करना पसंद करती हैं। समुद्र तट के वातावरण का सुझाव डायनासोर के विविधीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक था।